वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मेरे हाथों में कुछ बड़ा सा बोर्ड आप ये देख रहे हैं, ये क्लास डी का एम्पलीफायर है। देखते हैं कि किस तरीके का ये एम्पलीफायर है और कुछ नया सा ये एम्पलीफायर है। तो ये देखिए, मैंने इस साइड से आपको दिखाया तो आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे इंडक्टर इसमें लगे हुए हैं, बहुत बड़ा कनेक्टर यहाँ पर आउटपुट लगा हुआ है और बहुत सारे ऑप एम्प भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आपको अंदाजा चल गया होगा ये एक 5.1 का एम्प बोर्ड है जो कि TPA 3116D2 एम्पलीफायर पर बेस है और ये फुली मेड इन इंडिया है, कुछ SMD कंपोनेंट्स को छोड़ दिया जाए। डिटेल स्पेसिफिकेशन तो आप वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। इंकोशन का ये बोर्ड है, इंकोशन का नाम अब IoT हो गया है, उनके बोर्ड्स पर IoT की मार्किंग आपको मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको बस इतना ही बताता हूँ कि ये एक 5.1 बोर्ड है जिसमें 100 वाट के दो चैनल हैं और 50 वाट के चार चैनल हैं, यानी कि टोटल इसमें 400 वाट RMS की पावर आउटपुट है। इस बोर्ड में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें की गई हैं, तो पहले मैं इस IC के कवर को खोल लेता हूँ ताकि आप देख पाएँ और उसके बाद मैं इसको टेस्ट भी करूंगा और देखेंगे कि इसमें क्या क्या एडिशनल फीचर्स डाले गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ओपन कर दिया मैंने इस एम बोर्ड को और यहाँ पर 4 TPA 3116D2 की IC लगी हुई हैं। 5.1 में आप जानते हैं कि फ्रंट में दो स्पीकर होता है और रियर में दो स्पीकर होता है, तो इसमें एक IC फ्रंट के लिए यूज़ की गई है, एक IC रियर के लिए यूज़ की गई है स्टीरियो मोड में, और एक IC यहाँ पर सेंटर चैनल के लिए यूज़ की गई है और एक IC सबवूफर के लिए यूज़ की गई है। इस तरीके से टोटल 4 ICs को कॉन्फिगर किया गया है। इसके अलावा भी अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इस बोर्ड में कई सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। गेन स्टेज को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप एम्प्स का इसमें यूज़ किया गया है और कुछ ऑप एम्प यहाँ प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर भी लगाए गए हैं IC के साथ। ये जो म्यूट फंक्शन है, यानी कि सिर्फ एक बटन से पूरे बोर्ड की आउटपुट को आप म्यूट कर सकते हैं, क्योंकि 5.1 बोर्ड में क्या होता है कि या तो हम तीन अलग अलग पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं, फ्रंट, रियर, सबवूफर और सेंटर के लिए। तो इस कंडीशन में अगर आप अचानक म्यूट करना चाहें तो इस फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं, पूरा का पूरा बोर्ड उसी कंडीशन में म्यूट हो जाएगा, वॉल्यूम आपका कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए गेन का भी कुछ मार्किंग दिया हुआ है, फ्रंट लेफ्ट गेन, फ्रंट राइट गेन। तो नॉर्मली इस बोर्ड का जो गेन है वो 2x पे सेट किया गया है, यानी कि जो भी इनपुट आप देंगे उसको ये गेन स्टेज 2x मॉडिफाई करके इस ICs को देगा। लेकिन अगर आपको गेन ज़्यादा लगता है तो आप इन जंपर्स को अगर शॉर्ट कर देते हैं तो यूनिटी गेन, यानी कि जितना आप इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट इसको देगा, कोई भी गेन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ये जंपर्स की सेटिंग दी गई है। इसके अलावा आपको यहाँ से इनपुट देना है और आप जानते हैं कि 400 वाट की पावर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसको पावर सप्लाई भी काफ़ी तगड़ी देनी पड़ेगी। अगर आप 24 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, 20 से लेकर 24 वोल्ट की, तो लगभग 20 एम्पियर की सप्लाई आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 20 एम्पियर का ब्लॉकिंग डायोड भी लगाया गया है ताकि अगर किसी कंडीशन में आप पावर सप्लाई को उल्टा लगा दें तो आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा। यहाँ पर LEDs कुछ लगाई गई हैं जो कि आपके रिवर्स प्रोटेक्शन को बताती हैं कि आपका बोर्ड रिवर्स प्रोटेक्शन में है। यहाँ पर देखिए एक LED है, दो LED है, तीन LED है और चार LED है। ये भी अलग अलग फंक्शंस को, जैसे कि आउटपुट शॉर्ट को और सप्लाई रिवर्स को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए दी गई हैं। इसके अलावा जो पावर सप्लाई का कनेक्टर है, आप देख रहे होंगे कि डबल ब्लॉक कनेक्टर यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 एम्पियर पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है और छोटा ब्लॉक कनेक्टर उसको बियर नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको प्लस के डबल टैप्स दिए हुए हैं और माइनस के डबल टैप्स दिए हुए हैं। यहाँ से आप दूसरी पावर, यहीं से आप टैप निकाल के प्री एम्प वगैरह भी अगर लगा रहे हैं तो उसको भी आप दे सकते हैं। और दो फिल्टर कैपेसिटर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं 47,000 माइक्रोफेरेट 35 वोल्ट के, तो इनको अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं। वैसे अगर ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई से चलाते हैं आप तो इनको आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा, 6800 का लगा दीजिए। लेकिन अगर आप SMPS से चलाते हैं, और ज़्यादातर लोग इसको SMPS से ही चलाएंगे क्योंकि क्लास डी एम्पलीफायर को थोड़ी रेगुलेटेड पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, और इसमें अगर आप SMPS लगाना चाहते हैं तो आप मार्केट में जानते हैं कि नॉर्मली 20 एम्पियर का SMPS अवेलेबल नहीं है, तो आपको कमर्शियल SMPS इस टाइप के मिल जाएंगे जो कि पावर सप्लाई के लिए, LED पावर सप्लाईज के लिए यूज़ होते हैं। उसका कॉम्बिनेशन इस बोर्ड के साथ आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि 24 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना है। अगर आपके SMPS में कोई प्री सेट है तो 20 वोल्ट कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा सेफ रहेगा। बोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी आपको पता चली रही होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी का बोर्ड है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी गई है और यहाँ पर सारे इनपुट जैसे कि सब बुफर, सेंटर, SR, SL, FR, FL सभी कुछ मार्किंग की गई है। यहाँ पर पावर सप्लाई की मार्किंग की गई है, यहाँ पर आपके आउटपुट की मार्किंग की गई है। पहले कई बार मैं आपको ये 5.1 डिकोडर के बारे में बता चुका हूँ, तो इसी तरीके का डिकोडर आपको लेना है, या अगर आपके DVD प्लेयर या किसी और डिवाइस में 5.1 की आउटपुट डायरेक्ट निकलती है तो आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं।
और ये आपको ध्यान रखना है कि जिस तरीके का आप स्पीकर इसमें फ्रंट का जोड़ रहे हैं उसी तरीके से इनपुट भी आप यहाँ पर दीजिए, आपस में मिक्स नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा। आपको पता ही होगा कि यूट्यूब में वीडियो में पूरा 5.1 का सेटअप क्रिएट करके दिखाना मुश्किल है, तो मैं एक एक चैनल आपका इसको ऑडियो टेस्ट करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ हर चैनल में इसकी ऑडियो आ रही है और किस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पर सेटअप क्रिएट कर दिया गया है और मैं एक एक चैनल में ऑडियो इनपुट दूंगा, यहाँ से ब्लूटूथ डिवाइस है मेरे पास। अभी स्टीरियो रिकॉर्डिंग रहेगी तो आप हेडफोन में सुनिएगा, तभी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। एक चैनल हो गया, ये सेकंड चैनल है, थर्ड चैनल अब मैं चेक करता हूँ। थर्ड पर मैंने स्पीकर लगा दिया, थर्ड चैनल भी मेरा काम कर रहा है। फोर्थ चैनल में देखता हूँ, 1 2 3 4th ही रहा, फोर्थ में आउटपुट आ रही है। अब ये सेंटर है मेरे ख्याल से, काफी तगड़ी आउटपुट है। और ये लास्ट वाला सब है, मुझे पता नहीं इसमें फिल्टर है या नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पर ये भी पता चल गया कि सब बुफर साइड में कोई फिल्टर नहीं है, इसमें किसी भी टाइप के फिल्टर का यूज नहीं किया गया है। जो भी फ्रिक्वेंसी आपके सराउंड कार्ड से आएगी वो डायरेक्टली बोर्ड्स में जाएगी, और ये ऑप एम्प गेन के लिए है। अगर आप नॉर्मल सिग्नल यूज़ कर रहे हैं जिसमें इनकोडिंग के थ्रू, जिसमें डिकोडर के थ्रू सिग्नल नहीं आ रहा है, तो अगर आप इसका सब बुफर और सेंटर चैनल यूज़ करना चाहेंगे तो आपको कोई 5.1 कन्वर्टर कार्ड लगाना पड़ेगा, जैसा कि मैं पहले के वीडियोस में भी दिखा चुका हूँ। तो कुछ इस तरीके का ये बोर्ड है और सारा कंस्ट्रक्शन इसका बहुत अच्छा है। इसका एक सस्ता वर्जन भी अवेलेबल था इंक्वेशन पर, आपने देखा होगा, लेकिन वहाँ पर इंडक्टर कॉइल्स वगैरह का यूज़ नहीं किया गया था और बहुत सारे प्रोटेक्शन वगैरह का भी यूज़ नहीं किया गया था। लेकिन ये बोर्ड थोड़ा सा कॉस्टली है, इसकी करंट प्राइस वेबसाइट के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको लेना है तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा, काफ़ी पावरफुल बोर्ड है, कोई भी हमिंग वगैरह नहीं है। TPA 3116D2 ऐसे जिस क्वालिटी के लिए फेमस है उसी क्वालिटी की ऑडियो आपको मिलेगी, और इस बोर्ड की स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। बस आपको पावर सप्लाई वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से देना है। इस बोर्ड में आप 4 ओम या 8 ओम का कोई भी स्पीकर लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्पीकर 8 ओम में ही आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें पूरी सबवूफर की आउटपुट लेना चाहते हैं तो 4 ओम का स्पीकर यूज़ करेंगे, तभी फुल आउटपुट आपको 100 वॉट इसमें से मिल पाएगी, क्योंकि BPTL मोड पर यूज़ किया गया है सबवूफर की IC, और सेंटर भी BPTL मोड पर यूज़ किया गया है। वैसे तो कॉन्फिग्रेशन के हिसाब से सेंटर इसका 100 वॉट में दिया गया है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगती है कि सेंटर को इतना तगड़ा सुनता होगा। सेंटर भी आप 50 वाट का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए सेंटर पर भी 8 ओम का स्पीकर आप यूज़ करेंगे और बूफर में 4 ओम का स्पीकर आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी बैलेंस्ड ऑडियो आपको मिलेगी। और पावर तो आप जानते ही हैं, जिस तरीके से सराउंड और फ्रंट स्पीकर पे 50 वाट की पावर आउटपुट मिलती है, तो आप 35 वाट तक का स्पीकर यूज कर सकते हैं, और सेंटर और सब बूफर पर आप 50 वाट से लेकर 100 वाट तक का स्पीकर या सब बूफर यूज कर सकते हैं। तो ये था रिव्यू इस बोर्ड का फ्रेंड, शॉर्ट एंड क्रिस्प, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं आपको लाता रहूंगा ताकि आप जब भी मार्केट में कोई बोर्ड लेने जाए तो आपको डिसीजन लेने में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो इसी के साथ दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय।